सो दोस्तों, अगर आपके पास है iQOO Z6 Pro मोबाइल, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि iQOO Z6 Pro मोबाइल में ऐप को लॉक कैसे किया जाता है। दोस्तों वो कोई भी ऐप हो, सारी ऐप आप लॉक कर सकते हो और बिना ही किसी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए। दोस्तों आपके मोबाइल में ही ऐसा फीचर दिया गया जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ऐप को लॉक करना, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सिक्योरिटी पे क्लिक कर दोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से जो आपने पहले से प्राइवेसी पासवर्ड बनाया वो आपको डाल देना है, अगर आपने नहीं बनाया तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पहले से बना के रखा है तो वही यहाँ पर डाल देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम वो प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे आप दोस्तों, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेंगी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएंगी। अब दोस्तों आपको जिस एप्लीकेशन को लॉक करना है उसके सामने टिक यहाँ से आपको दिख रहा है, उस टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से उदाहरण के लिए हम यहाँ से अपना गूगल प्ले स्टोर लॉक करेंगे, इसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देंगे। जैसे इनेबल कर देंगे तो सक्सेसफुली हमारा गूगल प्ले स्टोर लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि गूगल प्ले स्टोर लॉक हुआ या नहीं। दोस्तों यहाँ से कट किया, अब यहाँ से देख लेते हैं हमारा गूगल प्ले स्टोर, ये रहा, इस पर मैंने क्लिक किया, जो मैंने वहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड डाला था वही यहाँ पर दोस्तों जैसे ही डालेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे वो प्राइवेसी पासवर्ड हम यहाँ पे डाल लें तो हमारा सक्सेसफुली गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। यहाँ से हम गूगल प्ले स्टोर चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप iQOO Z6 Pro मोबाइल में ऐप को लॉक कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।